जय श्री राम दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय साधना मार्ग में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हम कैसे पता करें कि हम मंत्र हमारा सिद्धि की तरफ जा रहा है। ऐसी कौन से अनुभव होते हैं जिनसे हम यह पता कर सकते हैं कि जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हम पर कोई गलती नहीं हो रही है और हमारा मंत्र सिद्धि की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद यह पता चल जाएगा कि आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है। तो आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव होंगे जिनसे अगर आप अभी अनजान हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जब हम किसी मंत्र का एक टक 2.5 घंटे एक आसन पर बैठकर जाप करते हैं तो धीरे धीरे मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई मंत्र एक साथ जागृत होते हैं और कोई कोई मंत्र धीरे धीरे जिस दिन से उन मंत्रों का जाप शुरू किया जाता है उसी दिन से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शक्तिशाली मंत्र होते हैं जिनसे आपको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह मंत्र ज्यादातर 1.25 लाख के नजदीक पहुंचने पर थोड़े बहुत अनुभव आपको दिखाते हैं। लेकिन ज्यादातर मंत्र जो बड़ी शक्तियां देते हैं वो 11 लाख जाप से सिद्ध होते हैं, तब आपको उनकी दिव्य शक्तियां मिलती हैं और उनके और भी विधियां होती हैं जिन्हें पूरा करके आप उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जब आप 1 घंटे पर किसी संकल्प को लेकर किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं या फिर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं या फिर राम जी का मंत्र जाप कर या भैरव साधना या फिर हनुमान जी का मंत्र या फिर आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आप जब आसन पर 1 घंटे बैठ लेंगे तो आपके मस्तिष्क के ऊपरी भाग में थोड़े थोड़े स्पंदन सा होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके मस्तक के अंदर चींटियां रेंग रही हैं और आपकी नासिका के अग्रभाग में आपको स्पंदन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका नासिका का अग्रभाग उसमें कुछ बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है। और हो सकता है जब आप मंत्र की शुरुआत करें, आपने पहले मंत्र जाप नहीं किया है, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, जब आप 2.5 घंटे एक टक होकर एक आसन पर बैठकर आप मंत्र जाप करेंगे तो आप जब मंत्र जाप करके उठेंगे तो आपके सिर में दर्द भी महसूस होगा। और जब रात्रि में आप मंत्र जाप करके जिस समय आप मंत्र जाप करते हैं या फिर आप जब नींद लेते हैं तो आप आपको जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसके इष्ट देव की झलकी आपकी आंखों के सामने आने लग जाती है और आपके अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कि जब आप सोते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई सपना नहीं हो रहा, कोई हकीकत घटना हो रही है। होता वह सपना है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप भी उस कार्य को कर रहे हैं। जब आप जागते हैं तो वह कार्य प्रत्यक्ष आपके सामने वैसे ही हो जाता है। तो दोस्तों यह मंत्र सिद्धि का प्रमुख लक्षण है। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध होने वाला है और हमारा मंत्र सिद्धि की तरफ अग्रसित हो गया है। दोस्तों बहुत से साधक, बहुत से जानकार जिनको मंत्र जाप की पूर्णतः जानकारी होती है तो वह इन विधियों को जानते हैं, लेकिन जो इन विधियों से अनभिज्ञ होते हैं तो वह डर जाते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसी गुरु का चुनाव जरूर करना चाहिए क्योंकि वह गुरु आपको उस मार्ग पर ले जाएगा, उसको उसके जो अनुभव है उससे वह पूर्ण जानकार होता है, उसे वह खुद उस मार्ग से आया हुआ होता है। दोस्तों जब आप मंत्र जाप करते हैं तो जब आपका मंत्र जाप चल रहा होता है तो उस समय अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जो आपके ब्रह्मचर्य को भंग करना चाहें या फिर आपको कुछ गलत सपने हो उससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो आप समझना चाहिए आपको कि आपका मंत्र पूर्णतः जागृति की अवस्था में है जो कि अपनी शक्ति को दिखाता है। और अगर आप नियमित प्राणायाम या फिर ध्यान जप क्रिया नहीं करते, अपने ब्रह्मचर्य को डांटने की जो साधन नहीं करते तो जो आपके अंदर मंत्र की शक्ति बनी है वह
वह एक तरह से स्वप्न देश के माध्यम से बाहर आ जाती है, फिर आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। जब तक आपका मंत्र जाप चले, या पर आपका 11 दिन का अनुष्ठान है या पर आपका 21 दिन का अनुष्ठान है, उसके बीच में आपको ब्रह्मचर्य रहना है। किसी भी तरह से आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, ये ऐसे ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनसे हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा मंत्र जागृति की अवस्था पर जा रहा है। जब आपका मंत्र पूर्णतः जागृत हो जाता है तो आपको आपकी नासिका के अग्रभाग में आपको एक प्रकाश महसूस होता है, और जिसका वह मंत्र है उसकी थोड़ी थोड़ी मूर्ति और उसकी चित्र आपकी आंखों के सामने झलकने लग जाते हैं, और आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, और आप जिसकी जिसकी तरफ भी निगाह भर के देख लेते हैं तो वो आप पर आकर्षित होने लगता है। ये होती है मंत्र की शक्तियां। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम आपको एक वीडियो में नहीं बता सकते, इसके लिए हम धीरे धीरे करके हर वीडियो में एक एक दो दो लक्षण आपको बताते रहेंगे, जिससे आप साधना जो भी साधना करें उसमें आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की, जब मंत्र जागृत होता है तो आपके साथ में क्या अनुभव होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय श्री राम दोस्तों।